Assalamualaikum man, welcome to Wild Rush. आप मेरी हालत देख के समझ गए होंगे आज कुछ हटके होने वाला है। जी बिल्कुल, आज कुछ हटके होगा। आपने जल परी के बारे में सुना होगा, लेकिन मैं आज आपको जल परी से तो नहीं, लेकिन जल परी की दूर की रिश्तेदार या उसकी दूर की सौतेली बहन से मिलवाने वाला हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मिलवाने वाला हूँ एक ऐसे खूबसूरत बर्ड से जो कि अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा पानी में गुजारता है, अपना घोंसला भी पानी में बनाता है और अच्छा फ्लायर नहीं होता, मतलब कि ज़्यादा लंबी उड़ान नहीं भर सकता। हमने इस बर्ड को पकड़ने के लिए पानी में इस गंदे तालाब में बहुत सारे ट्रैप लगाए थे। दो दिन पहले हमारे ट्रैप में वो फंस चुका था, लेकिन जो है कोई और बंदा वो ट्रैप भी ले गया और वो हमारा बर्ड भी ले गया, तो फाइनली आज हमारे ट्रैप में वो फंस चुका है। तो स्टार्टिंग में मेरे ख्याल से इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है, बाकी की इन्फॉर्मेशन उस बर्ड को ट्रैप से बाहर निकालने के बाद आपके सामने रखने के बाद शेयर करूँगा। तो बने रहेगा मेरे साथ और देखते रहेगा वाइल्ड रश। तो अभी इस खूबसूरत और दलदले पानी में मैं जाने वाला हूँ और उस बर्ड को लेके आने वाला हूँ। अबे रुक जा। तो ये देखें किस तरह से मेरे ट्रैप में ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फंसी हुई है। सबसे पहले तो मैं इसको बाहर निकालता हूँ, फिर आपके साथ मैं इसकी जो है बाकी की इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये रहा हमारा आज का कंटेंट, हमारा आज का सब्जेक्ट मोरहेन। तो मैं अभी आपको अपने ट्रैप दिखाता हूँ। ये देखें मैंने किस तरह से अपने ट्रैप जो है पानी के अंदर जो है हाइड करके रखे हुए थे, क्योंकि ट्रैप लगाने की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। ट्रैप देखने से आप ट्रैप जो ट्रैप की टेक्निक्स हैं उनको समझ नहीं सकते, आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि ट्रैप कहाँ पे लगाने हैं। अब ये देखें मैंने किस तरह से अपने ट्रैप लगाए हुए थे। तो मेरा काम जो है चूँकि हो चुका है, तो अब मैं अपने ट्रैप भी अपने साथ जो है लेके आ जा रहा हूँ। ट्रैप की इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ इसलिए शेयर नहीं कर सकता क्योंकि बहुत सारे लोग जो है फिर ट्रैप को इसका जो है गलत इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से मैं ट्रैप की ज़्यादा डिटेल आपके साथ शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा काम है जस्ट आपके साथ बर्ड्स की, रेप्टाइल्स की, एनिमल्स की इन्फॉर्मेशन को शेयर करना। तो अभी इसको बाहर लेके चलते हैं। तो अभी हमारे हाथ में है हमारा आज का कंटेंट, हमारा आज का सब्जेक्ट। तो एक अच्छी सी लोकेशन पे जाके इसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं और शेयर करने के बाद फिर करते हैं इसको रिलीज़। तो ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है, यहाँ पे बैठ के इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आपने मेरे पैरों को नहीं देखना, आपने मेरी ड्रेस को नहीं देखना, आपने इस खूबसूरत बर्ड पे फोकस करना है और इसकी इन्फॉर्मेशन पे फोकस करना है। तो अभी आप मेरे हाथ में जो खूबसूरत सा बर्ड देख रहे हैं, इसका साइंटिफिक नेम गालीनूला है, इसको इंग्लिश में मोरहेन कहते हैं, कॉमन मोरहेन कहते हैं, और पंजाबी में लोकल ज़ुबान में यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान में इसको जो है मुर्गाबी भी समझा जाता है, इसको जल कुकड़ी भी कहा जाता है। जल कुकड़ी और बर्ड को कहते हैं, वाइट ब्रेस्टेड वाटर हेन उसको कहते हैं। उसके ऊपर भी वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मैं आपको बताऊं, ये मुर्गाबी नहीं है, लोग ज़्यादातर लोग इसको मुर्गाबी समझते हैं, ये इनको शिकार करते हैं, लेकिन ये मुर्गाबी नहीं है। ये मुर्गी की एक किस्म है जो कि आम हमारे घरों में हमारे एरिया में पाई जाती है, जिसको हम पालते हैं, ये उन्हीं की एक किस्म है, लेकिन ये इस तरह के तालाबों में, इस तरह के पानी वाले जगहों पर रहना पसंद करते हैं। तो मैं आपको बताऊँ, ये उन बर्ड में से है जो कि तकरीबन पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, सिवाय अंटार्कटिका के और कुछ कंट्रीज़ के, एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में जो है ये बर्ड बहुत वसी पे जो है तादाद में पाए जाते हैं। एशियाई कंट्रीज में पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, बल्कि हर जगह पे आप इन बर्ड्स को जो है इस तरह की दलदली वाली जगहों पे, तालाबों के पास, झीलों के पास जो है, जहाँ पे पानी रुका हुआ होता है और इस तरह के ऊँचे ऊँचे सरकंडे जो है वो उगे हुए होते हैं, आप इन बर्ड्स को वहाँ पर बड़ी तादाद में देख सकते हैं। दुनिया में अभी तक इन बर्ड्स की तकरीबन 10 के करीब एग्जाम पाई जा चुकी हैं, जिनमें से 3 से 4 स्पीशीज हो एंडेंजर स्पीशीज हैं, खत्मे के घर पे पहुंच चुकी हैं। नॉर्मली जो आपको मोरहेन नजर आएंगी, उनकी चोंच के ऊपर यहाँ पे रेड कलर की शील्ड होती है, रेड कलर का बड़ा सा स्पॉट होता है, वो मैं आपको बताऊँ कि फुली एडल्ट मोरहेंस होती हैं, क्योंकि इसकी चोंच के ऊपर वो रेड स्पॉट, रेड शील्ड नहीं है, समझ लें कि ये जुवेनाइल है, बच्चा है।
तो आज की चूंच देखें कितनी खूबसूरत चूंच है इसकी। तो अब आते हैं इसके पंखों की तरफ। आपको या पंखों की साइड पे आपको व्हाइट कलर की आउटलाइन नजर आ रही होगी और टेल पे भी आपको इस तरह की ये जो है व्हाइट आउटलाइन नजर आ रही होगी। तो अब आते हैं इसके खूबसूरत कलरफुल और लंबे पंजों की तरफ। ये देखें कितने खूबसूरत हैं और कितने लंबे हैं। यही पंजे इसको पानी के ऊपर तैरने में मदद देते हैं और यही पंजे जो है इसको एक बेहतरीन स्विमर बनाते हैं। यही पंजे इसको पानी वाले दूसरे बर्ड से मुख्तलिफ बनाते हैं। तो इसकी चूंच से लेकर टेल तक इसकी लंबाई 10 इंच से लेकर 15 इंच तक होती है। विंग स्पैन इसका 20 इंच से लेकर 35 इंच तक होता है। इसके वजन की बात करें तो 70 ग्राम से 400 ग्राम तक इसका जो है वजन होता है। ये एक ओमनिवर बर्ड है, पानी में रहने वाले, पानी से बाहर रहने वाले, हर तरह के छोटे इंसेक्ट्स, छोटे रेप्टाइल्स, फ्रॉग, लिजर्स को खा जाता है, हर तरह की बेरीज को, छोटे सीड्स को ये खा जाते हैं। इनके बारे में खास बात ये है कि ये दूसरे बर्ड्स के अंडे भी खा जाती हैं। मिड मार्च से लेकर मिड मई तक इनका ब्रीडिंग सीजन होता है। ब्रीडिंग सीजन मेटिंग सीजन के दौरान मेल जो है फीमेल को इंट्रैक्ट करने के लिए पानी में अपनी चूंच को बार बार जो है डिप करता है, भिगोता है। तो मेल और फीमेल दोनों मिलकर अपना घोंसला बनाते हैं। घोंसला ऐसी लोकेशन पर, ऐसी जगह पर बनाया जाता है जिससे बच्चे अंडे और दूसरे जानवरों से महफूज रहे। तो पानी के ऊपर तैरती हुई झाड़ियों के ऊपर, सरकंडों के ऊपर जो है अपना घोंसला बनाते हैं। एक फीमेल 7 से लेकर 8 तक अंडे देती है, जिसमें से 3 हफ्तों के बाद 21 दिन के बाद जो है बच्चे निकलते हैं। मेल और फीमेल दोनों मिलकर अपने बच्चों की बेहतरीन तरीके से हिफाजत करते हैं। इनके बारे में एक बड़ी स्पेशल बात यह कि जो बच्चे पहले निकले हुए होते हैं, नए निकलने वाले बच्चों की, वो भी अपने वालिदैन के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ बड़ी बेहतरीन तरीके से उनकी केयर करते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं। तो 40 से 45 दिन की केयर के बाद बच्चे अपनी आजादाना ज़िंदगी गुजारने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। लेकिन ये एक दूसरे से ज़्यादा दूर नहीं जाते, ये ग्रुप्स की सूरत में रहना पसंद करते हैं, फ्लॉक्स की सूरत में रहना पसंद करते हैं। कॉमन मोरहेन एंड डेंजर स्पीशीज नहीं है, मतलब कि इनके तादाद को ख़तरा नहीं है। 1 साल से लेकर 3 साल तक इनका लाइफ टाइम लाइफ स्पैन होता है। इनके शिकारियों की बात करें तो डॉग्स, रैकून और फॉक्सेस इनके कुदरती शिकारी हैं। इंसान इनका बहुत ज़्यादा शिकार करता है, इनका जो हैंड करता है। ब्रीडिंग सीजन में इसका शिकार करने से बचना चाहिए। तो ये थी कॉमन मोरहेन गालिनुला के बारे में शोर सी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। हमारी लोकल जबान में इसको जल कुकड़ी कहते हैं, लेकिन ये जल कुकड़ी नहीं है। आपके एरिया में इसको किस लोकल नाम से बुलाया जाता है, अपने एरिया का नाम और इसके लोकल नाम को कॉमेंट सेशन में ज़रूर मैंशन करिएगा, इससे आपका एरिया जो है प्रमोट होता है। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अब टाइम है इसको रिलीज करने का। तो मिलते हैं किसी और जगह पे किसी और रेप्टाइल, एनिमल, बर्ड या इंसेक्ट के साथ। देखते रहिएगा वाइल्ड रश। बाय बाय। हो गई।